हेलो ट्रिपर में आपका स्वागत है। सो आज हमारे ट्रिप की है डे 4। कल हम लोग देवरिया ताल जा ही नहीं पाए ट्रैक पे, बिकॉज आज जो मैं आपको सरप्राइज देने वाला था वो अब रेडी होने जा रहा है, हम लोग वही निकलने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट्स दे देता हूँ, अभी हम लोग अभी जा रहे हैं कार्तिक स्वामी ट्रैक। बहुत सारे लोग को नहीं पता, या करे भी होंगे बट काफ़ी सारे लोगों को इतना नहीं पता होता है। जो भी चोपटा आते हैं वो नॉर्मली पहले तो तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक पे जाते हैं, उसके अगले दिन देवरिया ताल ट्रैक पे जाते हैं। बट कल हमने आकाश कामिनी रिवर पे जितने सारे एक्टिविटी वगैरह करे और शाम को फिर काफ़ी थक गए थे, फिर सो गए, मतलब और हिम्मत ही नहीं हुआ कि उठ के फिर देवरिया ताल जाएँ। बट देवरिया ताल कंपेरेटिव टू देवरिया ताल हमें और एक अच्छा ट्रैक की मतलब जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कार्तिक स्वामी ट्रैक पे हम लोग जाएंगे आज मॉर्निंग पे। तो उसके लिए हमने थोड़ा एनर्जी बचा ली कि हमने सोचा कि कल थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं जहाँ पे ये मैं रह रहा हूँ, जो होम स्टे है, और थोड़ा रेस्ट करके आज अभी हम निकलने वाले हैं। जस्ट ब्रेकफास्ट करेंगे, कार्तिक स्वामी ट्रैक पे निकलेंगे अब जो हम लोग, और आज हमारा प्लानिंग है वहीं जंगल में नाइट स्टे करने की और वहाँ पे रात की जो जंगल कैंपिंग है वो करने की। तो अभी हमारा वही प्लानिंग है एंड फिर कल मॉर्निंग बैक टू दिल्ली। सो फिलहाल के लिए तो पहले अभी भाई ब्रेकफास्ट वगैरह पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर ट्रैक पे निकलेंगे। मैं आगे का पूरा नज़ारा आपको बताऊंगा एंड बिलीव मी जो लोकेशन को मैं आपको लेके जाऊंगा फाइनल, आप वो लोकेशन देखोगे, आप भी यही कहोगे कि भाई मैं चोपटा जाऊंगा, उस पहले तो तुंगनाथ चंद्रशिला की ट्रैक करूंगा, उसके बाद कार्तिक स्वामी ट्रैक जरूर करूंगा। तो चलो भाई मेरे साथ बने रहो ट्रिपर के साथ, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ट्रैक पे फिर चल के हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। भाई कार्तिक स्वामी जा रहे हैं और रास्ते में अब हम पहुंच चुके हैं मोहनखाल। मोहनखाल एक गांव है कार्तिक स्वामी से हार्डली कुछ ही दूरी से पहले ही है, और हार्डली और शायद हम लोगों को लगेगा हाफ एन आवर लगेगा, मतलब उसकी जो बेस है, बेस से जहां से चढ़ाई होगी कार्तिक स्वामी की। बज रहे हैं अभी 4, तो हमें चढ़ाई करके फिर कहीं पर कैंप डालनी पड़ेगी जंगल में, और जंगल में कैंप डाल के फिर आगे की सफ़र हम लोग देखेंगे, या फिर मॉर्निंग तक टेम्पल तक जाएंगे, और या वहाँ की व्यवस्था देखनी पड़ेगी रात की व्यवस्था वगैरह कैसी है। और फिलहाल ये मेरे पीछे की नज़ारा आप देख ही रहे हो, मैं आपको कैमरा टिल्ट करके दिखा देता हूँ कि आप मेरा पीछे का नज़ारा देख सकते हो, बिल्कुल एकदम टॉप में है ये गांव के अंदर एक छोटा सा घर, और ये वो पीछे है एकदम। सो भाई कार्तिक स्वामी का ट्रैक अब जस्ट स्टार्ट हो गया है, और यह है एंट्री पॉइंट, जो कनक छोरी की जो एंट्री पॉइंट है ये है वो एंट्री पॉइंट, और हमें अभी कार्तिक स्वामी की ट्रैक पे चलनी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब यहाँ से आगे ऐसे ऊपर की तरफ चलना है, तो चलो चलते हैं और फिर मैं आपको नज़ारा दिखाता रहूँगा।
भाई अब शाम होने लग गई है, सिर्फ मैं और विकास भाई ही चल रहे हैं, अच्छा आपके घर में भी और कोई है नहीं। कैमरा टिल्ट करता हूँ मैं, ये लगभग देखिए लगेगा आधा पौन घंटा है। पूरा शाम हो चुका है, कोई है नहीं पीछे, और बस हम चलते जा रहे हैं। वहाँ पे घना जंगल नहीं है, वहाँ पे कुछ उजाला लाइट तो है। यहाँ पे एक छोटा सा बनाई गई है शायद यात्री वगैरह रेस्ट के लिए। सो भाई अभी थोड़ा पानी पी के थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, तो लाइट दीजिए मैं डाल देता हूँ। हाँ इधर हरिंदर है, मजा आ रहा है। दिलीप भाई सब वेट कर रहे हैं, और थोड़े करके फिर निकलेंगे हम मजा आ रहा लोग। है, मैनू मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जंगल में आना है, आ जाओ देखो जंगल के मजे। तो भाई हालात देख रहे हो, और चलते चलते अभी जा रहे हैं, रास्ते में जानवर तो नहीं मिला ये बताओ, मैं खोल रास्ते में देता हूँ। मिला कुछ? अरे एक सेकंड रुक जा। अच्छा हाँ इसमें अब दिखा। मुर्गे चल रहे तो थे रास्ते अभी में। भाई हाँ मुर्गे बोल हालात रहे एकदम भाई ढीली, और अभी ये मुझे चलना है देख, मेरे पहले। हाथों देख। हाँ हालात ठीक अभी है, भाई पूरी ढीली, और अभी जाके। और कितना दूर रहा बस विकास भाई? बस यहीं पे है, बस यहीं पे बस विकास भाई है। मेरे को ना जब नीचे नीचे से बस थोड़ा आगे आगे बस आगे। नीचे से मैं पहुंचा ही, विकास भाई बोले ए, तुम तो आधे आगे। अरे तो भाई चलो जल्दी पहुंचते हैं और फिर टेंट वेट, लगाएंगे। सही बात है, वेट नहीं करते, फटाफट हम तो आते आए हैं। ही गए समझ लो। ये है कि हम भाई उधर फाइनली कार्तिक स्वामी के लिए इन कर कार्तिक रहे हैं, स्वामी के लिए तो पहुंच ही गए हैं। जय कार्तिक ये पीछे स्वामी। की आप देख रहे हो, और अभी ऐसे और धूप में ज्यादा जाने लग रहा मेरा है, हालात आप देख ही रहे मैं हो जाम लेट हूँ, लेकिन लोग लिटरली। आए हैं अरे नीचे, थोड़ा लाइट लगभग देना। 8 बज रहे हैं अभी। लिटरली भाई हाँप रहे हैं, और लोग आए जस्ट हैं मंदिर नीचे में से पहुंचे। देखने, पहले कैंप लगाते हैं भाई, फिर आगे का दिखाता हूँ। फाइनली उधर पहुंच गया भाई ऊपर। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके भाई? भाई एक तो पहले जब तुंगनाथ वाली ट्रैक थी और ये ट्रैक में डिफरेंस ये है कि ये ट्रैक छोटा है, मतलब तुंगनाथ जैसा लंबा नहीं है, बट स्टीफ है, स्टीफ तो है। और थोड़ा आज एनर्जी कम लगा बिकॉज ऑफ हमने दिन में खाना नहीं खाया है, और बस मैगी खाए थे नीचे अभी, और मैगी खा के आए। और भाई मेरा कैमरा का लेंस पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कहीं पता नहीं जंगल में लग गया या पता नहीं कैसे कहाँ गुम हो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, बट आने के बाद यहाँ पे जब पहुँच गए ना, यहाँ पे व्यवस्था पूरी है, मतलब यात्री रहने की, यहाँ पे खाने पीने की। और सडनली अगर मान के चलो कोई अकेला आदमी है, शाम को आ गया है, जा नहीं पाएगा रात में, तो रुक सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट। बस स्लीपिंग बैग वगैरह अगर आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। नहीं वैसे हाँ कमरे भी हैं हाँ अगर कमरे भी है, आप। आप इमरजेंसी केस में बंदा है, ऐसा कोई आपको परेशानी होगा नहीं, बिल्कुल। बाकी अब ऐसा जंगल देख मेरा लो भाई, इंसान है। जिस रास्ते से रुद्र आया अभी रात को, हाँ ये पूरी फुल जंगल है जंगल है भाई। भाई, पूरा जंगल है। और ये पहाड़ की चोटी पे हैं हम लोग, और अभी हाँ पहाड़ की चोटी के नीचे से आए हैं पहाड़ के। हाँ और कल सुबह मॉर्निंग एकदम अर्ली मॉर्निंग हमें उठनी है, उठ के हमें टॉप में जाना है, टॉप में वो पूरी फोटोग्राफी करनी है, भगवान के दर्शन करनी है, सनसेट और सॉरी सनसेट तो हो ही गया, आपको पिक नहीं कर पाए, सनराइज को देखनी है, और करके फिर कल दिल्ली के लिए भाई निकलेंगे अभी पहले। उसके बाद अभी हम जहाँ पे टेंट वेंट लगाएंगे, पहले वो नज़ारा दिखाते हैं, फिर खा पी के सोएंगे, फिर आगे की कहानी चलती रहेगी भाई। भाई कैंप अभी सेटअप हो गई है पूरी अच्छी तरीके से, और विकास भाई है, दिलीप भाई, हाँ दिलीप भाई है।
आप बताओ, आप बताओ किसने क्या कर रखा है भाई? है, मैं बोलो तो बोलो, ये थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहा था कि भैया दिलीप भाई है, विकास भाई नहीं है। तो क्या कह सकता हूँ, बाहर भयंकर बारिश थी, हमने अभी आपने देखा था कि हमने आग वाग लगा रखी थी, बट भयंकर बारिश चालू हो गई है और पहाड़ी में ये अनसर्टन रहता है बिल्कुल मौसम, कब पता नहीं कब बारिश हो जाए क्या हो जाए। तो हमने अब टेंट पूरी लगा रखी, आवाज़ शायद आ ही रहा होगा आपको, तो अब अंदर बैठ के खाना वाना खा रहे हैं भाई, उसके बाद सो जाएंगे और फिर कल की देखी जाएगी, कल का किसी काम कल कैसे निकलेंगे, कल की देखी जाएगी भाई।